साथ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि आप यहाँ तमिलनाडु में आप विधानसभा में अपने कम से कम 15 सीटों पर लड़कर जो आपको शेयर देगी, जो आपको टिकट आपकी सीट खाली करेगी, उसे हम लोग वोट देंगे और वोट लेंगे। जो फिशरमैन की बात करेगी, जो फिशरमैन की बात करेगा वो तमिलनाडु के विधानसभा में राज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। दिल्ली की सरकार ने मछुआरों के लिए ढेर सारे कानून बना दिया, लेकिन तमिलनाडु की सरकार उसे रोक रखी है। दिल्ली सरकार मीनवर्गों का नरेय सलगे कुड़कांगे, तमिलनाडु तो इन्हों नम्मा नरेय बेर सुनी के तो आरकांगे, सुनी सुनी नम्मा सतीर तो आयरुपो, इन्हें केकर के यार में कड़े आरु, நல்ல ஸ்டாண்டா வரணும்னா நம்ம பிரதிநிதி மீனவர் பிரதிநிதி இருக்கணுங்கிறத விளக்குறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க மீனவர் பிரதிநிதி வரணும்னா அவங்க அலைன்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சர்க்காரை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. हमारे वोट की शक्ति को जब प्रधानमंत्री ने देखा है तो मछुआरों का हिस्सा वहां से अधिकार लेकर भेजा है। நம்மளோட சக்தி அதாவது மீனவர்கள் எல்லாரும் இணைந்து ஒரு 10 15 சீட் வந்து கிடைச்சனா எம்பிஏ எம்எல்ஏ கிடைச்சனா அந்த கையெழுத்து நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அப்போ நம்ம கேக்குற என்ன உரிமை இருக்கோ அது நமக்கு கிடைக்கும். 6 महीने के अंदर अपने वोट की शक्ति को दिखाइए। 6 மாசத்துல வந்து உங்க वोटோட பவரை வந்து காட்டணும். सभी ताकत वोट में है। वोट से मोदी बने हैं, वोट से जयललिता बने, वोट से करुणानिधि बने, अब उनके बेटे बन रहे हैं, अब वोट से फिशरमैन का बेटा बनेगा, विधानसभा का मुख्यमंत्री होगा। मोदी